मौसम की मार ने पूरे देश का हाल बेहाल कर रखा है। जहां एक तरफ उत्तर भारत में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात रोनू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश के कई शहरों में लगभग 50 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है, यानी आसमान से आग बरस रही है। लोगों का लू से हाल बेहाल है और कई इलाके पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गुजरात में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां का तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है और अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। राजस्थान के पलौधी में अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान के उदयपुर में 1 जबकि जालौर में 2 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। एमपी, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में भी पारा 45 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी की वजह से राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 8 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो 3 दिन तक सूरज का कहर यूं ही बरसता रहेगा। 11 साल बाद एक बार फिर आंध्र प्रदेश में रोनू चक्रवात का कहर बरपा है। रोनू की वजह से जनजीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गहरे दबाव का क्षेत्र बनने से आए भीषण तूफान ने रोनू की शक्ल ले ली है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में काफी जानमाल की क्षति हुई है। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए हैं। शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब यह तूफान आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर पूर्व इलाके के साथ साथ ओडिशा की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में दक्षिण और उत्तर ओडिशा के अधिकतर स्थानों में भारी बारिश और चक्रवाती तूफान आ सकता है। वहीं पड़ोसी देश श्रीलंका के कई हिस्सों में भी साइक्लोन रोनू का कहर बरपा है। भारी बारिश ने बाढ़ की शक्ल ले ली है। यहां जान माल को बहुत नुकसान पहुंचा है। कहीं गर्मी तो कहीं आंधी तूफान, हर जगह परेशानी। फिलहाल देश भर में लोगों को मौसम से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।